ओके तो हम जो है आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिटरमाइनिंग पे रेट्स। आज हम पे रेट्स के ऊपर बात करेंगे, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपने जो पे रेट्स होते हैं उनको डिटरमाइन करती हैं, किस तरह वो ग्रेडिंग करती हैं, किस तरह वो पे पैकेज बनाती हैं, किस तरह सैलरी रेंजेस डिजाइन होती हैं, किन पॉलिसीज की बेसिस पर जो है ये कंपनसेशन पैकेज जो है वो तैयार होता है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि पे रेट्स के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड जो है वो हमारा टॉपिक है। हम शुरू करते हैं डिटरमाइनिंग पे रेट से। तो पे रेट्स में सबसे पहले जो है हमारे पास कुछ की टर्म्स हैं, इन की टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। की टर्म्स में हमें ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है जब हम जो है किसी पे रेट्स को डिटरमाइन करने के लिए जा रहे हैं, तो ये तीन टर्म जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, इम्प्लाई कंपनसेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनसेशन? कंपनसेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? तो कंपनसेशन में की जो डेफिनेशन है दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ पे आर रिवॉर्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉइज एंड अराइजिंग फ्रॉम देयर एम्प्लॉयमेंट। यानी जो वो सर्विसेज देता है, जो वो एम्प्लॉयमेंट उसकी होती है, उस एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में उसको जो पेमेंट हो रही होती है इन टर्म्स ऑफ सैलरी और इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड, इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स, वो सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती है एम्प्लॉय कंपनसेशन के अंदर। एम्प्लॉय कंपनसेशन इज द ओवरऑल पैकेज विच इज गोइंग टू दी एम्प्लॉय अगेंस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट। तो ये एम्प्लॉय कंपनसेशन जो है इसको कहते हैं, ये कंपनसेशन मैनेजमेंट इसको कहते हैं। कि कंपनसेशन मैनेजमेंट से मुराद ये है कि ये सैलरी, रिवॉर्ड, इंसेंटिव, ये सारी चीजों को कैसे मैनेज किया जाए ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो नहीं। अपनी जो है वो मैक्सिमम जो है वो आउटपुट दें और मैक्सिमम परफॉर्मेंस दें और वो मोटिवेटेड रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका रिटेंशन रेशियो भी जो है वो इंक्रीज हो। तो कंपनसेशन पैकेज जो है उसके लिए के तीन चार बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें एम्प्लाई की रिटेंशन है, जिसके अंदर एम्प्लाई की परफॉर्मेंस है, जिसके अंदर एम्प्लाई की मोटिवेशन है। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप उसका पे पैकेज जो है वो तैयार करते हैं। अब इसके अंदर दो किस्म की पेमेंट्स होती हैं, एक को कहते हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स होती हैं वो होती है पे इन फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स, कमीशन एंड बोनसेस। ये वो फाइनेंशियल पेमेंट्स हैं जो डायरेक्टली आपको फाइनेंस की शक्ल में मिलती है, या तो कैश की शक्ल में मिलती है, या कि चेक की शक्ल में मिलती है, या आपके जो बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर ट्रांसफर होती है। तो ये अमाउंट होता है जो कि आपके जो आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जो आप जॉब करते हैं, जो आप सर्विसेज देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अगेंस्ट में ये डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स होती हैं जो आपको मिलती है। अब कुछ ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो डायरेक्ट आपको पेमेंट की शक्ल में नहीं मिलती, यानी आपको जो है किसी फाइनेंशियल डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट की शक्ल में नहीं मिलती है, जिसमें आपको जो है जैसे कैश की शक्ल में नहीं मिलेगा, कोई चेक नहीं मिलेगा, या इस तरह की कोई दूसरी चीजें नहीं मिलेंगी, जबकि वो किसी थर्ड पार्टी को वो अमाउंट मिलेगा और वो थर्ड पार्टी आपको फैसिलिटेट करेगी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, इन टर्म्स ऑफ अदर बेनिफिट्स, तो वो आपको वहां से मिलेंगे। तो इनडायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स में क्या होगा, पे इन द फॉर्म फाइनेंशियल बेनिफिट्स सच एज इंश्योरेंस। तो जो इंश्योरेंस, ये एक मैंने बताया इंश्योरेंस की डिफरेंट टाइप्स होती है, तो एक इसके अंदर क्या है, इंश्योरेंस भी इसी का पार्ट है जो कि इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स जो है वो होती है। अब इसके अंदर और भी चीजें होती है जिसमें हमारे पास जो है वो ग्रेचुटी होती है, प्रोविडेंट फंड होता है, सोशल सिक्योरिटी होती है, और ये वो सारी चीजें हैं जो कि आप जो है वो भी आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती है, बल्कि इनडायरेक्टली जो है खासतौर पर दूसरी जो कंपनी होती है उसको पे करते हैं, खासतौर पर जो ईओबीआई है या सोशल सिक्योरिटी है
वो आपको नहीं मिलती है, लेकिन उसकी जो फैसिलिटीज होती है वो आपको मिल रही होती है। प्रोविडेंट फंड आपके अकाउंट में जमा हो रहा होता है और वहीं से एंड जब आपकी सर्विसेज एंड होती है तो उस वक्त वो आपको मिल जाता है ग्रेजुएटी भी इसी तरह है। लेकिन आप उससे पहले अगर निकलवाना चाहें तो वो भी आप जो है उसको जो है अप्लीकेशन देकर वो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि आप जो फाइनेंशियल पैकेज बना रहे हो, किसी का कंपनसेशन पैकेज बना रहे हो, तो उस वक्त ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपके आपके इल्म में होनी चाहिए कि एक जो सैलरी स्लिप होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें आमतौर पर ऐड होती है। तो मैं आपसे अभी कोई आपने से कोई काम करता है किसी कंपनी वगैरह में, कोई मुझे बता सकता है? आपने बहुत सारे लोग तकरीबन ही काम करते हैं, तो कोई एक बंदा बता दे कि उनको जो है पे स्लिप मिलती है, किसी को पे स्लिप मिलती है? जो है वो एल एफ ए है जो मिल रहा होता है, जो कन्वेंस अलाउंस है वो मिल रहा होता है, इसके अलावा फोन अलाउंस, ये सब ये पांच कैटेगरीज ऐड होती हैं जो आपकी ग्रोसरी जो नेट अमाउंट है जो आपकी सैलरी स्लिप है आप उसकी बात कर रहे हैं जी सर? हाँ, उसके अंदर आपने बताया बेसिक सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी होती है, और क्या होता है सर? बेसिक के ब्रेकअप जो है, जो ग्रॉस का ब्रेकअप है वो उस तरह है कि बेसिक है, एलएफए है जो लीव एनकैशमेंट, जो ट्रैवलिंग मिलती है कंपनी की तरफ से सर, लीव फंड इनकैशमेंट है जो मतलब यूजुअली एनुअली कुछ कुछ कंपनीज एनुअली प्रोवाइड करती हैं, जो एम्प्लॉइज को प्रोवाइड की जाती है कि आइदर वो ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं कहीं, मतलब लीव्स लेकर कहीं जाना चाह रहे हैं तो उन उस वो मिलता है। तो है। हमारी मेरी कंपनी में जो है वो मंथली ब्रेकअप में दे देते हैं उसको, वो क्यूम्युलेटेड एनुअली नहीं देते, मंथली सैलरी में जो है वो उसको ऐड ऑन कर देता है। मंथली कितने? फिर इसके अलावा जो है वो कन्वेंस मंथली का क्या हिसाब होता है इसमें सर? वो अगर जैसे एनुअली अगर आपको 20,000 या 25,000 रुपीस वो पे कर रहे हैं तो फिर उसी को ब्रेकअप कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू लीव्स होती है क्या होता है? नो सर, अकॉर्डिंग टू लीव्स नहीं है ये, मतलब अकॉर्डिंग टू स्केल है, हर स्केल के हिसाब से जो है वो डिफरेंट है, हर स्केल के हिसाब से डिफरेंट है। तो ये क्या, ये वो है लीव एनकैशमेंट है या कुछ और चीज है? नहीं सर, ये लीव एनकैशमेंट नहीं है, ये एक्चुअल में जो होता है ये एम्प्लॉय आई गेस ट्रैवलिंग या जो भी करना चाह रहा है एम्प्लॉयर, तो उसको एक तरीके से कंपनी जो अपनी तरफ से कुछ शेयर कर रही होती है कि अगर आप लीव्स लेके कहीं अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ कंपनी भी अपना पार्ट दे रही होती है। ओके, आपने पर्सनल विजिटिंग घूमने जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो उसमें देती है। एग्जैक्टली कंपनी भी उसमें सर ये शेयर जो है वो एक्चुअली में सर एलएफए इस पर्पस के लिए दिया जाता है कि जो एम्प्लॉयज पूरे ईयर काम कर लेते हैं ना सर, तो रिफ्रेशमेंट के लिए कंपनी भेजती है कि आप आउट ऑफ द सिटी जाएं, चीजें जाएं, और उसके अगेंस्ट में एक हैंडसम एक अमाउंट दे देती है। ओके वेरी गुड, आप उसकी बेस पे आप जो है वो कर लें उसको एलएफए। ठीक है, वैसे तो ये मेरे ख्याल में सब कंपनियां तो नहीं देती, ये कुछ कंपनियां होंगी जो ये दे रही है। जी सर, मेरी कंपनी देती है, आपकी कंपनी देती है। इसके अलावा सिर्फ फोन अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, फ्यूल अलाउंस है, मतलब ये तीन कैटेगरीज है। ठीक है, कौन सी कंपनी है वैसे? के इलेक्ट्रिक। हां, इसके अलावा सर फिर वो जो उसका पार्ट है वो प्रोविडेंट फंड का जो है, फिर उसकी भी ब्रेकअप होता है कंपनी शेयर और आपका शेयर, तो पूरे कम्युलेटेड होके जो है इसमें फिर हमारी डिडक्शन ईओबीआई की डिडक्शंस भी हैं, तो फिर वो आखिर में जो है वो ग्रॉस जो है वो कैलकुलेट होती है, ये सब ब्रेकअप्स के बाद जो है ग्रॉस कैलकुलेट होती है। आपके आपके यहां वैसे प्रोविडेंट फंड कितना डिडक्ट होता है? सर 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड 10% कंपनी, वही सेम अमाउंट जो है वो कंपनी शेयर। 20% ऑफ द बेसिक सैलरी हर मंथ आपका अमाउंट सबमिट होता है अकाउंट में? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ठीक है। ग्रेजुएटी वगैरह तो नहीं है आपके यहां? सर ग्रेजुएटी भी है। अच्छा, ग्रेजुएटी का क्या तरीकेकार होता है पता है आपको? सर ग्रेजुएटी का तरीका का मेरी कंपनी में ये कि बीइंग अ मैनेजमेंट एम्प्लॉय हमारी ग्रेजुएटी जो मैच्योर होती है वो 3-5 years में होती है। 3 years तक अगर आपकी सर्विसेज हैं तो आपको जो है वो 60% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी अमाउंट जो है वो आपको एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन मिलेगा। अगर आप 5 years कंप्लीट कर चुके हैं कंपनी में तो फिर वो 100% मैच्योर हो जाती है। तो 5 years जी बिल्कुल, तो फाइव जितनी भी आपकी सर्विसिंग ईयर
सर्विसिंग ईयर्स है वो उससे जो आपकी ग्रॉस सैलरी में कुछ पोर्शन है जो हट जाता है, जो ट्रांसपोर्ट का जो आपका ट्रांसपोर्ट है और LFA, ये पोर्शन हट जाता है, रिमेनिंग उसमें एड ऑन रहता है, तो वो आपको जो है जितने भी आपकी सर्विसिंग ईयर्स है उसमें मिलता है। मेरा सवाल ये है कि 3 साल बाद जो आपको पेमेंट करेंगे अगर किसी एक बंदे की ग्रॉस सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है तो उसको वो कितनी पेमेंट करेंगे 3 साल बाद, अगर 60% आप कह रहे हैं। सर देखिए अगर 50% अगर 50,000 रुपीज उसकी सैलरी है ग्रॉस जी, तो ग्रॉस के अंदर जो है वो डिडक्शन हो जाएगी, फोन अलाउंस कट जाएगा उसमें से जितना भी मिल रहा था, ठीक है। लेट सपोज उसकी उसकी जो LFA उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उसमें से जो है वो आई गेस हमारी कंपनी में जो है वो भी डिडक्ट होता है। तो क्या 1 महीने की सिर्फ अमाउंट सैलरी देंगे 60% ऑफ द 1 मंथ सैलरी? 60% ऑफ द 1 मंथ सैलरी, अगर 3 साल में रिजाइन करें तो फिर वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 5 इयर्स में कर रहे हैं तो 100% मैच्योर हो गई है, 45,000 लेट्स सपोज आपको मिलने वाले हैं तो 45,000 रुपीज जो है मल्टीप्लाई बाय 5 होंगे, वो अमाउंट आपको जो है वो एज अ ग्रॉस सैलरी कि 1 साल एज अ प्रोविडेंट एज अ आपको ग्रेच्युटी मिलेंगे 1 साल प्रोविडेंट फंड अलग है। समझ गया, 1 साल के अंदर जो है आप 1 साल में 1 महीने की सैलरी जो है वो आपको देंगे जी, बिल्कुल ग्रेजुएटी के यही रूल है ना, ग्रेजुएटी का रूल यही है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो और कोई शेयर करना चाहेगा अपनी सैलरी स्लिप कि वहां उनके यहां क्या होता है? सर हम लोगों के इसमें बेसिकली सर हाउस रेंट भी इंक्लूड होता है सर, फिर वो टैक्स रिडक्शंस भी होती हैं उसके अलावा ना सर, हाउस रेंट होता है, कुछ मिसकेलेस अमाउंट्स भी दी हुई होती हैं सर, मगर 5 इयर्स के बाद सर बेनिफिट ये होता है के तो ग्रॉस सैलरी की जैसे सर 30 डेज की देरी होती है ना कंपनी, मगर 5 इयर्स के बाद वो 35 डेज, फिर 7 इयर्स के बाद 40 डेज, और आफ्टर 10 इयर्स 45 डेज की सैलरी कैलकुलेट होती है। तो 10 इयर्स के बाद अगर हम कंपनी में रिजाइन देते तो वो 45 डेज के हिसाब से सर वो सैलरी उसके अंदर जो ग्रेजुएटी होती है वो कैलकुलेट करके देते हैं। ठीक है, आपकी कंपनी में भी दोनों चीजें मौजूद है, प्रोविडेंट फंड भी है, ग्रेजुएटी भी है? जी सर, LFA भी है सर, LFA एंड ईयर पे होता है सर, वो एम्प्लॉई के ऊपर होता है, वो किसी भी टाइम पे ले सकता है। ठीक है, आप क्या है? आप कौन सी कंपनी में है? सर कोका-कोला। आप कोका-कोला में, ठीक है, ठीक है जी। और कोई शेयर करना चाहे? सर वारिस रिमाइंड मी, मेरी पे स्लिप में भी जो है वो हाउस रेंट का पार्ट भी है। अच्छा, उसके अलावा बाकी ये लोग जो बता रहे हैं वही चीजें सारी शामिल है उसमें? वही सारी चीजें, टैक्स डिडक्शंस और एडजस्टमेंट, ये सब चीजें तो होती हैं। लेकिन ग्रॉस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल होगा ना? जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल है, वो कंपनी ही डिडक्ट कर लेती है, और इन जून में एंड ऑफ जून 30th जून को जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर देती है, तो वो फाइल यूजुअली मैं तो खुद ही कर लेता हूं फाइल। ओके जी, फराज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं यही बस कह रहा था कि कोका-कोला वाले से दोस्ती बनानी पड़ेगी, कि इलेक्ट्रिक तो बिजली देती नहीं है। सर एग्जैक्टली सब यही चीजें, और अभी तो फिलहाल मैंने स्विच किया है तो पे स्केल जो है यही सब सारा यही हिसाब है, जिस तरीके से हाउस रेंट हो गया, मोबाइल अलाउंस हो गए, डिफरेंट अलाउंसेस हो गए, मेडिकल हो गया, फ्यूल हो गया कन्वेंस चार्जेस के नाम से, तो ये सब चीजें अकाउंट होती हैं। जी जी कुरतलाल बोलो। I have a question. सर जैसे इंटरनेशनल पे स्लिप जो पे स्लिप्स होती है ना, वहाँ पे टैक्सेशन की भी डिडक्शन होती है, तो ये जितनी इन्होंने पे स्लिप शेयर किए हैं, सबने बेनिफिट शेयर किए हैं, तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि टैक्सेशन की भी कोई डिडक्शन का अमाउंट होता है जो आप लोग देते हैं? जी जी बिल्कुल, आप थोड़ा सा लेट हो गए कुरतलाल, अभी हमने वही चीज डिस्कस करी थी कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से टैक्स डिडक्शन कंपनी ही हमारी सैलरी से कर लेती है, और मैंने आपको जैसे बताया कि जून 30th जो भी एंड ऑफ द ईयर होता है उसमें जो है वो हमें सर्टिफिकेट इशू कर देती है कंपनी, जो टैक्स डिडक्ट करके उसने गवर्नमेंट को पे ऑफ किया होता है, उसके अगेंस्ट हम जो है वो अपना टैक्स फाइल करते हैं FBR को, जो एनुअली बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं यूजुअली जो फाइलर्स हैं, तो हम वो उसको फाइल कर देते हैं उसके अगेंस्ट, क्योंकि हम टैक्स ऑलरेडी अपनी सैलरी में पे ऑफ कर चुके होते हैं। ठीक है, कोई तो लर्न समझ गई।
यस सर। हाँ जी, यहाँ पर जो है जो सैलरी वाले एक्चुअली है मैंने बाहर ही काम किया है, मेरी वहाँ का शेयर करना चाहूंगी पे सब, वहाँ पे कैसे होता है इंटरनेशनल लेवल पे बताइए बताइए और वहाँ पे किस तरह से शेयर करते हैं, अगर कुछ सुनना चाहे। हाँ सुनेंगे, अगर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा। हाँ बताएं बताएं, आप बताएं इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। वहाँ पे सर कॉलम्स बनते हैं अर्निंग्स के, टैक्सेस के, डिडक्शंस के, और इस तरह से जो अर्निंग्स होती है उसमें बोनस वगैरह या रेगुलर पे या टैक्स वगैरह आ जाती हैं। फिर जो टैक्सेस होते हैं उसमें फेडरल टैक्स आते हैं, फीका आते हैं, फीका मीन्स फेडरल, और सिक्योरिटी और स्टेट के अलग से टैक्सेस आप पे कर। मेडिकल के जो है टैक्स वो डिडक्ट करवाते हैं, इस तरह से बुढ़ापे के लिए लोग करवाते हैं आफ्टर 60, तो उसके लिए भी लोग जो है वो मतलब टैक्सेशन जो है ना वो खुद से सेट करते हैं। तो अर्निंग्स में तो सिर्फ बोनस और रेगुलर आता है, और अगर कोई आपको मतलब कन्वीनियंस के दे रहे हैं, कन्वीनियंस के आने जाने का खर्चा वो आता है। ठीक है, तो वैसे आपके यहाँ कितने किस्म के टैक्स डिडक्ट होते हैं इसमें से जो सैलरी होती है? सर वहाँ पे टैक्स तो डिडक्ट होते हैं, यही तो मैं बताना चाह रही थी और इन लोगों से मैंने पूछा। सर वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी टैक्सेशन होती है, फिर मेडिकेयर के टैक्स होते हैं जो इंश्योरेंस की होती है, और फीका फेडरल के और स्टेट के, फोर तो देने ही देने होते हैं विदाउट एनी चॉइस। अच्छा, फोर टैक्स सैलरी में से डिडक्ट हो जाते हैं वैसे ही? यस सर, अगर आप ऑन स्लिप ऑन पे आप काम कर रहे हैं तो, अगर ऑफ द बुक्स काम कर रहे हैं जो कि लोग करते हैं मैक्सिमम, तो वो फिर कोई टैक्सेस पे नहीं करते हैं, वो साल के एंड पे 1099 बनाते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट था, फिर उसमें खुद से लोग मतलब टैक्सेशन पे करते हैं, उसकी भी एक रेशुआ पे करने की। और ये जो हम लोग ऑन स्लिप काम करते हैं वो साल के एंड पे W-2 मिलता है जिसपे सब कैलकुलेटेड होते हैं टैक्सेस, तो आपको उसका फायदा भी तो होगा ना, टैक्स आप देते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है उससे, ये सोशल सिक्योरिटी जो होता है उससे बेनिफिट सर उसका फिर ये। जी जी बिल्कुल सर, उसका हमें फायदा ये होता है कि साल के एंड पे हमने ऑलरेडी टैक्सेस पे कर चुके होते हैं तो हमें गवर्नमेंट रिलीफ देती है कि एक हमें रिफंड आता है कि आपने इतने टैक्सेस पे किए, यू आर अ गुड सिटीजन, तो ये एक रिफंड आता है फिर आपको, और वो एलोकेट तो हो ही रहे होते हैं आपके टैक्सेस, तो 1099 पे ये होता है कि यू पे द गवर्नमेंट टैक्स के एंड पे आप पे करते हैं टैक्स। नहीं तो उसके अलावा भी तो कोई फैसिलिटी होगी ना, आपकी जॉब चली जाए तो फिर क्या होता है, कुछ ये लोग फैसिलिटेट करते हैं आप लोगों को? सर फिर अनएम्प्लॉयमेंट आप फाइल करते हैं तो फिर आप गवर्नमेंट आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट फंड देती है जब तक आपको नई जॉब नहीं मिलती है। अच्छा तो कितना होता है? 300 और 400। वो कितना 80% होता है? 80% ऑफ द सैलरी कितना होता है? सर 300 या $400 देती है एक हफ्ते का। अच्छा कोई ये हर एक के लिए वही अमाउंट है या अलग अलग सैलरी के हिसाब से? सर ये गवर्नमेंट देती है, ये कोई कंपनी नहीं देती, आप गवर्नमेंट को जी जाते हैं अपनी स्टेट में जाते हैं और वहाँ पे जी सर उधर जाके फाइल करते हैं कि मेरी जॉब नहीं है और मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो आई वांट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट नहीं सर ये कंपनीज नहीं देती, गवर्नमेंट देती है। हाँ गवर्नमेंट देती है, तो क्या गवर्नमेंट का फिक्स रेट है तमाम सैलरी पर्सन के लिए या के उनकी सैलरी के हिसाब से जो है वो उनको पेमेंट होती है? सर वो फिक्स रेट उनका है और वो ये भी डिपेंड करता है अगर आप सिक हैं या डिसेबल हैं, और उससे भी वेरी करता है अगर आप वेटरन हैं, मिलिट्री में हैं, मरीन्स में हैं, तो उस पर तो ये कितने कितने मंथ तक देते हैं आपको मैक्सिमम? सर अब जितने मंथ तक उनको प्रूव करते रहें, क्योंकि हर महीने आपको प्रूव करना होता है कि आई एम अनएम्प्लॉयड, आई एम लुकिंग फॉर जॉब लेकिन नो लक, यहाँ पे मैं डिसेबल हूँ, मैं अभी तक बीमार हूँ, मैं जॉब नहीं कर पा रहा। अच्छा, तो आपको 3 months तो आप 3 months के बाद तो आपको ऑफिस जाना पड़ता है। अच्छा 3 महीने तक ही बस करते हैं? जी सर 3 months के बाद ऑफिस जाना होता है और हर मंथ आपको लेटर लिखना होता है। हाँ ओके चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ते हैं, किसी और ने अगर शेयर करना है जी तबहर अजीम कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, अलाउंसेस का थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कीजिएगा कि अलाउंसेस जो है मैंने ये सुना है कि वो सैलरी के पार्ट में काउंट नहीं होते।
ठीक है तो सर ये बात सही है क्या? आप दोबारा बताइए, जो अलाउंसेस होते हैं वो सैलरी के उसमें वो नहीं होते? जी हाँ बिल्कुल। ठीक है जी, मोहम्मद अली आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्लिप में जो है वो अलाउंसेस मौजूद होते हैं। सॉरी, सैलरी स्लिप पे भी जो है अलाउंसेस जो पे होते हैं वो मौजूद होते हैं। अभी इन्होंने सवाल किया था, मैं बस इसी पे कह रहा था। हाँ बोले बोले, दोबारा बोले। जी सर, मैं ये कह रहा था कि सैलरी स्लिप पे जो है वो अलाउंसेस जो भी दिए जाते हैं किसी भी कंपनी की तरफ से वो शो होते हैं सैलरी के साथ ही। हाँ, मेरा ये ख्याल है कि जितने भी चीजें होती हैं वो जो सैलरी स्लिप होती है उसके अंदर जब भी मिलते हैं तो मेंशन जो है वो होती है। जी कुरतुल्लाह, आप क्या कहना चाह रही हैं? दी अलाउंसेस, यस सर, अलाउंसेस आर द पार्ट ऑफ द सैलरी और वो टैक्सेबल भी होते हैं। ये नहीं होता कि अलाउंसेस मिल गए तो इस पे कोई पूछेगा नहीं आपको, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी एंड दैट इज। ठीक है, ओके। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ और कहना चाहेंगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल। जी मोहम्मद अली कुछ कहना चाह रहे हैं आप लगता है? सर मैं कह रहा था इसमें मेडिकल अलाउंस भी अलग से मिलता है सैलरी स्लिप पे, किसी ने ये बताया नहीं तो इसलिए मैंने, क्योंकि हमें अलग से मेडिकल अलाउंस अलग मिलता था और इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कार्ड जो होता है वो अलग होता है, तो मेडिकल अलाउंस के जो अमाउंट मिलता है अलग मिलता है वो। नहीं आप बताया इस वजह से नहीं था क्योंकि शायद आपकी कंपनी में मिल रहा हो, बट हमारी कंपनी में रीइंबर्समेंट क्लेम होती है। अगर आप जो है वो कहीं मेडिकल के लिए जाते हैं, किसी आउटसाइड ऑफ कंपनी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप उसकी इनवॉइस सबमिट करवाते हैं फॉर रीइंबर्समेंट, तो वो इंश्योरेंस कंपनी है ना? नहीं वो इंश्योरेंस नहीं होती, इंश्योरेंस इज अ डिफरेंट थिंग। इंश्योरेंस कार्ड भी है हमारे पास, सही है, तो इंश्योरेंस कार्ड इज अनदर थिंग। इसके अलावा जो है वो मेडिकल रीइंबर्समेंट अलग चीज होती है। मतलब अगर मेरी आईसाइट वीक है और मैं अगर ग्लासेस भी बनवाता हूँ तो मैं उसको जो है क्लेम कर सकता हूँ और उसके अगेंस्ट कंपनी मुझे रीइंबर्समेंट पे। सही सही, ठीक है ठीक है जी। अच्छा जी, आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहिए हमें। मास्क परचेज करूंगा, ठीक है, मैं सबमिट करवाऊंगा और मुझे कंपनी जो है वो उसकी रीइंबर्समेंट पे करेगी। हाँ ये तो इंश्योरेंस का तरीकेकार होता है जो आप बता सर, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है सर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी देती हैं क्या पेमेंट सर? अभी जो रवि ने बताया कि नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट निगत की बात, मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, के इलेक्ट्रिक इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। और इसके अलावा जो है वो एंग्रो भी पे ऑफ करता है, मेरा दोस्त एंग्रो में काम कर रहा है, एंग्रो भी जो है वो रीइंबर्समेंट पे ऑफ करता है और लीवर ब्रदर्स जो है वो भी पे ऑफ करता है। ये तो प्राइवेट भी टॉप ऑर्गेनाइजेशन है पे वो करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि टॉप वो ही करते हैं, पॉलिसीज होती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल फराज सही कह रहे हैं, जरूरी नहीं है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी ही पे ऑफ करें, मे बी शायद फराज को भी मिल रहा हो, सॉफ्टवेयर हाउसेस भी पे करते हैं। हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी करती हैं, जैसे मैं भी कॉटन एम्पायर के अंदर हूँ, एक्सपोर्ट का काम है इनका, तो एग्जैक्टली यही सिनेरियो इधर भी है। एजुकेशन में भी है ये तो, हर कंपनी का अपना हमारे यहाँ भी होता है, इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीजें तो एजुकेशन सेक्टर में भी मौजूद है। सर मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट MMIH में जो है ना वो डेजिग्नेशन के हिसाब से जो है मेडिकल के कुछ पैसे अलग से उन्होंने रखे हुए थे, जो अपर लेवल के लोग हैं उनके लिए 5,000 या 10,000 है और जो लोअर स्टाफ है उसके लिए 500,000-2,000 रुपीज, इस तरह जो है वो अलग से एक अलाउंस जो है मेडिकल का मिलता है। चैलेंज जी, अनाउंस मेडिकल का कुछ कंपनियों में आपको आपका मिलना होगा, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जो कि है ये है जी पॉलिसी, कंपनसेशन पॉलिसीज जो है उसके इश्यूज क्या क्या हो सकता है। कंपनसेशन जब पॉलिसी बनाते हैं तो उस वक्त आप जिन इश्यूज को टैकल करना होता है, जिन इश्यूज को देखना होता है, वो लिस्ट आपके सामने है। नंबर वन, पे फॉर परफॉर्मेंस। आपने ये देखना है कि क्या जो आप कंपनसेशन पैकेज तैयार करने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर जो लोग परफॉर्म करेंगे, जो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, क्या उनके लिए उस कंपनसेशन पैकेज के अंदर कोई चीज मौजूद है या नहीं है, क्या आप या आप सिर्फ और सिर्फ पे फॉर परफॉर्मेंस की बेस पर काम करेंगे
या सीनियोरिटी भी कोई कंसर्न है जिसके बेसिस पर आप ये करेंगे? मतलब दो आम तौर पर चीजें होती हैं जब आप ये कर रहे होते हैं, तो पहली चीज होती है कि पे फॉर परफॉर्मेंस, यानी लोगों के जो इंक्रीमेंट लगते हैं वो इस बेसिस पे लगते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसलिए आपके इंक्रीमेंट अच्छे जो है होंगे। दूसरा होता है पे फॉर सीनियोरिटी। सीनियोरिटी का मतलब यह है कि आपको यार बहुत अर्सा गुजर गया, 10 साल गुजार दिए, 20 साल आपने गुजार दिए, अब आपके जितना जो इंक्रीमेंट है उससे रिलेवेंट लगेगा, जितना ज्यादा टाइम आप गुजारेंगे उतना ज्यादा आपका जो है इंक्रीमेंट होगा। अब कुछ कंपनियां तो ये करती हैं कि जो सिर्फ परफॉर्मेंस होता है उसकी बेसिस पर ही इंक्रीमेंट लगा देते हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो सीनियोरिटी और परफॉर्मेंस दोनों को साथ रखकर जो है इंक्रीमेंट लगाते हैं। तो ये इश्यूज जो है वो कंपनसेशन बनाते हुए आपको चेक करने होते हैं कि आप जो है वो पे फॉर परफॉर्मेंस को भी देख रहे हैं, आप पे फॉर सीनियोरिटी को भी देख रहे हैं,